ये है दिल्ली दर्पण। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोक के तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। यूपीएससी के परिणाम घोषित होने के बाद छात्राओं के परिणामों की बात चर्चा हर जगह होने लगी। हमारे साथ एक ऐसी प्रतिभा है आयुषी डबास, रानीखेड़ा गांव में रहती हैं और इन्होंने भी टॉप 50 में स्थान बनाया है। विशेषता ये रही, संघर्षपूर्ण ये रहा कि आयुषी डबास जो है वो 100% दृष्टिहीन है, उसके बावजूद भी यूपीएससी में बड़ा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। मेरे साथ आयुषी है। आयुषी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली दर्पण टीवी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज सभी सुबह से ही जैसे रिजल्ट कल आया उसके बाद से पूरे गांव वालों का मिल रहे हैं आप लोगों से, आकर आपसे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सालों की मेहनत सपना सब सच हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आयुषी, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? सर मैं अभी दिल्ली सरकार के विद्यालय में एज अ लेक्चरर हिस्ट्री पोस्टेड हूँ। अच्छा, और यूपीएससी मतलब एस्पिरेंट बनने का या फिर आईएएस बनने का कब आपने संकल्प लिया? हमारी तैयारी मैंने शुरू की थी सर 2016 में, और उसके लिए मेरी मदर ने मुझे इंस्पायर किया कि अब आपको जॉब मिल गई है। उस समय मैंने प्राइमरी टीचर की मैं जॉब करती थी, तो हम ऐसा लगता है मुझे हमेशा कि प्लान बी ज़रूर होना चाहिए यूपीएससी की तैयारी में। तो मम्मी ने कहा फ्यूचर सिक्योर है, आपकी जॉब हो गई है, तो अब हमें यूपीएससी की तरफ भी सोचना चाहिए। यही ना कि जॉब तो आपको मिल गई थी, सरकारी नौकरी पे आप पहले भी काम कर रहे थे, उसके रहते रहते क्यों ऐसा लगा कि आईएएस के लिए भी तैयारी करनी चाहिए? लाइफ तो सेट हो गई थी, सब कुछ था। सर जॉब करते हुए ही मैंने महसूस किया कि एज अ टीचर मैं चेंज ला पा रही हूँ बच्चों की लाइफ में एजुकेशन से, और जब वो एक बड़ा कैनवास मिलेगा काम करने का तो मुझे बेहतर मौका मिलेगा लोगों को सर्व करने का, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व करने का, समझने का। इसलिए सर सोचा कि और अच्छी पोस्ट हो ताकि हम और अच्छे से काम कर पाएँ सोसाइटी के लिए। आपके बारे में हमने पढ़ा भी है, सुबह से सही कई अखबारों में आपके बारे में लिखा गया है, शुरू से आप टॉपर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एज अ ब्लाइंड गर्ल मुझे लगता है मेरी मम्मी ने हमेशा यही सिखाया है कि एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, कि आप जितने भी चैलेंजेस हैं लाइफ में एजुकेशन आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी दिलाता है, वो आपको एम्पावर करता है, वो आपकी लाइफ बदल सकता है। एजुकेशन हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, और यही संदेश मैं सर सबको देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हर माँ बाप ज़रूर पढ़ाए, और दिव्यांग बच्चों को खासकर, कि ऐसा ना लगे कि ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरे माँ बाप पूरे परिवार ने मुझ पर विश्वास रखा कि ये बच्ची करेगी, और वो हो गया सर। जो बहुत लोग होते हैं जो बिल्कुल सक्षम होते हैं हर तरीके से, शारीरिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी, वो सब इतना कुछ करने की नहीं सोचते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आप दिव्यांग होने के बावजूद भी वो कौन सी ताकत थी जो इतना काम करी? सर एक सपना था कि करना है, और मुश्किलें तो हर रास्ते पे ही आती हैं, छोटी जॉब से बड़े तक, अब और जितना आप आगे बढ़ते जाओगे मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, तो घबराना नहीं है, यही सीखा हमने लाइफ से, और वो धीरे धीरे चैलेंजेस फेस करने के बाद एक लंबी जर्नी के बाद वो सपना सच होगा सर। अब क्या प्लान है, अब क्या सपना है आगे? अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है उसे अपने अच्छे से निभा पाऊँ मैं, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करके ईमानदारी से वो काम करेंगे सर, वो जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाए, बस अभी यही है। कितना मुश्किल होता था ये पढ़ना, क्योंकि
दिखता नहीं है आपको, उसके बावजूद भी किस तरीके से वो जर्नी रही पढ़ाई की? सर मुझे अपनी पढ़ाई की जर्नी में बहुत कोऑपरेशन मिला, अपने टीचर्स का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, सब लोगों ने सपोर्ट किया जब भी मुझे ज़रूरत होती थी। बुक्स और जॉब के साथ थोड़ा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं जॉब कर रही हूँ कंटिन्यूसली। और उसके बाद पहले टेक्नोलॉजी कम थी तो वहाँ मेरी मदर, फादर, ब्रदर सब बुक्स रिकॉर्ड किया करते थे फ़ोन में, और मैं उनको बार बार सुन के तैयारी करती थी। और आजकल स्मार्टफोन से, टेक्नोलॉजी से थोड़ा इजी हो गया सर। आप बता रहे कि आपकी मदर आपको YouTube पर डाउनलोड करके दिया करते थे सब वीडियो? वो रिकॉर्ड करती थी सर, जैसे हार्ड कॉपी है उसको पढ़ती है वो अपनी आवाज़ में, और मैं फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर देती तो वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, उसको मैं फिर रीप्ले करके सुन लेती अपना लेसन बार बार याद करने के लिए। अब PDF है, अब YouTube, वो मैं स्मार्टफोन में यूज़ कर पाती हूँ सर, अब टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प की। तो मनाली की तैयारी है आपकी पूरी? हाँ जी, मसूरी लवासना जाने। ठीक है, तो मैं सब उनकी मदर भी है जो उनकी पूरी इंस्पिरेशन रही इस पूरी जर्नी में सफलता के पीछे। आपको कब लगा कि आयुषी को अब इंस्पायर करना चाहिए IAS के लिए? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में मैंने इसको बताया नहीं कि मेरे को तुझे इस फील्ड में जाना है। ग्रेजुएशन में मैंने इसको हिस्ट्री दिलाया एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिर इसको अगेन हिस्ट्री, क्योंकि IAS में जो है सिविल सर्विस के लिए हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल के लिए, और उस टाइम मुझे विश्वास था कि एक दिन उसको करेगी। इसने तीनों साल टॉप किया, तो इसकी प्रिंसिपल ने भी स्टेज पर मुझे बोला जो इसने ग्रेजुएशन में टॉप किया कि आप इसको UPSC की तरफ डालो। तब हमने इसको फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए सोचा, बिना तैयारी के एक अटैम्प्ट लेके देखो कि आपका स्कोरिंग क्या रहता है प्रीलियम्स में। इसका स्कोरिंग बहुत अच्छा रहा तो हमारी हिम्मत बढ़ती चली गई। और अब कैसा लग रहा है कि आपने जितना पहले अच्छा सोचा लग रहा है? बस हर पेरेंट्स के लिए यही, हर बच्चे के लिए भी यही है कि हिम्मत है मर्दा और मद देखो दा। ठीक है, तो मदर हमेशा फादर भी इनके, और आप कितना खुश हैं आज? मैं तो बहुत खुश हूँ सर, मुझे तो जाहिर हूँ आया नहीं जब तक क्या खुशी इतनी मिल गई मुझे, सब कुछ दे दिया मेरी लड़की ने, बहुत कुछ दे, मेरे पूरे खानदान का नाम रोशन करते हैं गाँव का नाम। कैसे गांव वाले लोग सभी आ रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग गांव लोग सभी की उम्मीदें थी वो कुछ आ रहे थे, हो ही गया। और जिसके सबसे ज़्यादा मैं इसकी मम्मी को वो दूँगा जिसने मेहनत कराई इसकी लड़की से, लड़की ने मेहनत करी वो कामयाब हुई। फादर भी मेरे साथ। आयुषा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत लोग होते हैं उनका बहुत टफ लगता है, मतलब कि वो कोशिश भी नहीं करते हैं कि UPSC तो उनके है ही नहीं, कोशिश नहीं कर सकते हैं, ऐसे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, टफ है एग्ज़ाम नो डाउट, लेकिन एक बार अगर हम तैयारी करने लगते हैं, पूरी स्ट्रेटजी बना के पढ़ने लगते हैं तो हो जाता है क्लियर। अब हम भी जो क्लियर होता है जिन लोगों का, वो भी आम लोगों में से ही, हमसे पहले कितने जो बच्चा टॉप करता है वो भी हमारे जैसा ही है, सब जैसा ही है। शुरू में सबको डर लगता है पर जब मेहनत करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं तो चीज़ें ईजी होने लगती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, बार बार हमें लगता है कि हम छोड़ देते हैं तैयारी, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार करते रहते हैं तो ज़रूर होता है सर। एक सवाल जो हर UPSC एस्पिरेंट से पूछा जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आप कितनी देर करते थे? सर मेरा थोड़ा, मैंने जॉब के साथ तैयारी की है तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता था टाइम, कभी छुट्टियाँ लेती थी, कभी स्कूल के साथ पढ़ाती थी, तो नॉर्मली 8 से 10 घंटे तो निकालने पड़ते हैं सर। ठीक है, तो आयुषी लवासना हमारे साथ हैं और पूरे गांव के लोग उनको शुभकामना देने के लिए आ रहे हैं। इस रानीखेड़ा गांव का ताज बन चुकी है इनकी सफलता, और चार गांव के लोग हैं तो खुशियां हैं, सुबह से ही मिठाई मिठाई खिलाई जा रही है, और सभी एस्पिरेंट जिन्होंने भी सफलता प्राप्त की है उनको दिल्ली दर्पण टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर